जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि NIOS के पब्लिक एग्जाम आ चुके हैं और एक के बाद एक जो है स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे हैं कि सर कुछ ऐसा सैंपल पेपर बता दीजिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए या पैटर्न बता दीजिए जिससे हमको थोड़ा हेल्पफुल हो। और क्यों ना हो, बिल्कुल हेल्पफुल होता है जब आप कोई क्वेश्चन पेपर का पैटर्न को पहले देख कर जाते हैं, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने वर्ड्स में लिखना है, क्या हमको जो है तैयारी करके जाना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब बातें अगर आप एग्ज़ाम से पहले जाते हैं तो आपका एक स्ट्रेटेजी के साथ आप एग्ज़ाम देंगे और अच्छे मार्क्स आते हैं। यही स्ट्रेटेजी मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करने को बोलता हूँ। तो आज जो है मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो है पेंटिंग का एक सैम्पल पेपर, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने वर्ड्स में आपको लिखना है। इसके अलावा मैं ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रिलीज़ कर चुका हूँ, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो जाकर, वो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज हम लोग जो है पेंटिंग का स्क्रीन में स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर है पेंटिंग का क्लास 12th का, जिसका कोड है 332 यानी 332। तो इसमें दो चार चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे एक तो आप देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आपका ये आएगा 30 मार्क्स का, क्योंकि इसमें 70 मार्क्स का ऑलरेडी आप प्रैक्टिकल दे चुके हो। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1.5 आवर्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। आप इसमें कुछ नोट्स इन्होंने क्वेश्चन पेपर में पहले देते हैं। एक बोला है कि द क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स शुड बी आंसर्ड इन अबाउट 15 वर्ड्स। मैं आपको बता दूँ कि 1 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं और ये कह रहे हैं कि जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको जो है 15 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है द क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स शुड बी आंसर्ड इन 30 वर्ड्स। बहुत ही ईजी है कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको 30 वर्ड के अंडर में लिखने हैं। और आपको बता दूँ 2 मार्क्स के टोटल जो है 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेंटिंग में। फिर उसके बाद बोला है द क्वेश्चन हैविंग 3 और 4 मार्क्स शुड बी आंसर्ड इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए एक एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा और जो कि आपने 50-50 वर्ड्स में लिखना है। यानी सबसे पहले तो एक चीज़ आसान ये लग रही है कि कोई भी क्वेश्चन आपको 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना है, आपके 50 वर्ड्स के अंडर में ही आंसर हो जाता है। और दूसरा चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट ये परेशान होते हैं कि सर पेंटिंग का पेपर है तो क्या हमें कलर्स वगैरह लेके जाना है। तो मैं बता दूँ मोस्ट ऑफ द टाइम 90% चांसेस ऐसे होते हैं कुछ भी कलर करने के लिए नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं, वो क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे आप अपने जो है कलर्स लेके जा सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पहाड़ी क्वेलम नेम द थीम ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 वर्ड में आपने लिखना है। नेम द रीजन ऑफ डेक्कन स्कूल, नेम अ फ्यू ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट सेंटर्स, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन दिया है वाई द टर्म कंपनी पेंटिंग इज यूज फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द अर्ली ब्रिटिश रूल, ये भी आपका 1 मार्क्स का है जो आपको 15 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 4th को देखो तो क्वेश्चन नंबर 4th में आपका 2 मार्क्स आ गया आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या दिया है, वट डू यू नो अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द फाइंडिंग ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है लगभग लगभग 30 वर्ड्स का लिखना है। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 5th, जिसमें लिखा है वाई गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये भी 2 मार्क्स का है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वाई पद्मापानी बोधी सातवा इज वन ऑफ द ट्रेजर पेंटिंग ऑफ द वर्ल्ड आर्ट, ये भी आपको 20 मार्क्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पे 7th दिया है और उसके साथ में उसके 3 पार्ट भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखा है आपका, मेंशन द साइट ऑफ एलोरा टेम्पल एंड डिस्क्राइब वन ऑफ द रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ कैलाश टेम्पल, 2 मार्क्स का है, 30 वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, वट इज लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, हाउ इज़ द टेक्निक इज रिलेटेड टू फॉक ब्रॉन्ज कास्टिंग, ये भी 2 मार्क्स का है। फिर आपका है वट आर द मटेरियल्स यूज टू बिल्ड अ गोले गंबर्ड एंड मैंशन इट्स डेट एंड साइट, 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3rd नेक्स्ट देखें तो डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ पेंटिंग ऑफ द फेमस आर्टिस्ट निहाल चंद एंड अप्रिशिएट हिज स्टाइल, अगेन ये 2 मार्क्स का है।
क्वेश्चन नंबर अगर हम फिफ्थ में आ जाए तो यहाँ पे शॉर्ट नोट बोला है लिखने को, राइट अ शॉर्ट नोट विद इन अ फाइव लाइंस, अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स, इनमें से कोई भी आपको एक करना है, दो करने हैं। पहला दिया है पहाड़ी स्कूल, सेकंड है डेक्कन स्कूल एंड थर्ड है कंपनी स्कूल। तो आप 15-15 वर्ड्स में लिख सकते हो उनको, टोटल 30 वर्ड्स का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स था राइट अ शॉर्ट नोट विद इन अ फाइव लाइंस ऑन नेम ऑफ द फेमस फॉक पेंटिंग्स फ्रॉम द फॉलोइंग रीजन एंड राइट द मेन फीचर्स ऑफ एनी वन ऑफ द, इनके मेन फीचर्स लिखने हैं आपने, ये जो फॉक पेंटिंग्स हैं इनके, आपका जैसे है महाराष्ट्र, सेकेंड है राजस्थान, थर्ड है आंध्र प्रदेश, फोर्थ है वेस्ट बंगाल एंड फिफ्थ है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस द रोल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ पेंटिंग, ये आपका 3 मार्क्स का है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आपको दो क्वेश्चन दिए, दोनों में से एक करना है। डू यू कंसिडर फ्रॉम किनकर बैज एज द पायोनियर ऑफ कॉन्टेम्प्ररी इंडियन स्कल्पचर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हिज क्रिएशन, इन दोनों में से आपको एक करना है और 50 वर्ड्स का यह आंसर लिखना है क्योंकि 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका जो है 4 मार्क्स का है, एक्सप्लेन द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉक पेंटिंग एंड एलोबरेट विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द इंडियन फॉक पेंटिंग, एक ये क्वेश्चन दिया है, बीच में फिर और लिखा है। और मैं स्टूडेंट्स देखो बहुत बार मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स को दोनों क्वेश्चंस आते हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंस होकर दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। आपके अगर यहाँ पे और लिखा है ना तो आपको बहुत ही मतलब सिंसियर होकर समझना चाहिए कि हमको इन दोनों क्वेश्चन में से एक ही अटेम्प्ट करना है चाहे हमको दोनों भी आते हों। हाउ द रिलीजियस एंड सोशल थीम्स आर एक्सप्रेस्ड इन इंडियन फॉक्स पेंटिंग, इलस्ट्रेट विद एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, और ये आपका रहेगा 4 मार्क्स का। तो ये टोटल है आपका जो क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर को जो है 30 मार्क्स का हमको बता दिया, और मैं चाहूँगा इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर यही क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो आप जो है कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी ले सकते हो। आप हमारा vcicguruji.com में जाकर हमने जो पेंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्व आंसर के साथ दिए हैं वो भी आप ले सकते हो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पर हमने दिए हैं वो भी आप ले सकते हो, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा पेंटिंग का, और पेंटिंग को अच्छे मार्क्स लाने चाहिए ताकि जो है हमारी एक परसेंटेज अच्छी आ सके। ये थे आपके पेंटिंग के कुछ सैंपल पेपर, उस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी हो तो भी आपको समझ लेना चाहिए इसमें से, और आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पेपर को देने जाना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है बल्कि जो है एक कॉन्फिडेंस के साथ सिंसियर तौर पे 30 मार्क्स का है कि ऐसे ही मार्क्स आ जाएंगे ये सब मत सोचिए, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपर वे से अटेम्प्ट करना है, आंसर लिखना है, सही राइटिंग होना चाहिए, चीटिंग के भरोसे नहीं रहना है, और आपके जो है जरूर इसमें पेंटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसे हम और हमारी टीम VCIC गुरुजी की आपके लिए कामना करती है, और अगर आप में से कोई भी ऐसा हो जो पहली बार इस चैनल को देख रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको इस तरीके के वीडियोज़ हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।